पुलिस वालों को इस बात की सूचना मिलती है कि पटना के पटेल छात्रावास में अपराधी घुसे हुए हैं और कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद कदम कुआ के थाना प्रभारी विमलेंदु कुमार कहते हैं कि हमें इस बात का अंदाजा था कि पटना के पटेल छात्रावास में कुछ गड़बड़ हो रहा है और जब छापेमारी की गई तो हैरत हुआ क्योंकि वहां से हमें बारूद मिले बम बनाने के सामान मिले और उसके बाद जब यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि वहां पे कौन से छात्र उस कमरे में रहते हैं तब तक वो लोग फरार हो चुके थे एक आध दो लोगों को पकड़ा तो गया है लेकिन अब तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर इन सबके पीछे कौन है पटना का पटेल छात्रावास और वहां बढ़ रहे आपराधिक गतिविधियों से ले से पुलिस बहुत परेशान थी और इसी को लेकर पुलिस वाले को एक बार खबर मिली कि वहां पर गलत गलत काम हो रहा है अपराधी प्रवृत्ति के लोग वहां पर आकर डेरा डाले हुए हैं वो लोग जिनको रूम अलॉट नहीं किया गया है वहां आकर रह रहे हैं और वहां पर कोई बहुत बड़ा प्लानिंग चल रहा है और इसके बाद पुलिस वहां जाती है छापेमारी होती है और छापेमारी में मिलता है लमसम ग्यारह सौ ग्राम विस्फोटक मतलब कि बम बनाने का सामान इसके अलावा ग्रेट व्हाइट लिखे प्लास्टिक के दो टेप मिलते हैं तार लपेटा हुआ दो डब्बा मिलता है और उन डब्बों में पीले कलर का विस्फोटक रखा हुआ था और इसके बाद से ही पुलिस के होश फाख्ता हो गए हैं इस जैसे ही यह घटना हुई उसके बाद सारे पुलिस वालों को यह कहा गया है कि हर चार पांच दिन पर कम से कम एक बार आप पटना के सारे हॉस्टल्स में जाकर छापा मारिए इस बात को जानने का प्रयास करिए कि वहां पर क्या चल रहा है अग्निपथ योजना को लेकर जो विरोध हुआ था और जिस तरीके से वो विरोध हिंसक प्रदर्शन में तब्दील हो गया उसको लेकर लगातार पटना विश्वविद्यालय के छात्रों पर पैनी नजर रखी जा रही है और कहा जा रहा है कि कई लोग पटना के हॉस्टल्स में आकर प्लानिंग कर रहे थे और उसी प्लानिंग के तहत पुलिस वालों को यह सूचना मिलती है कि पटना के पटेल छात्रावास में कोई विस्फोटक सामान है पुलिस वाले छापा मारते हैं और ग्राम विस्फोटक मतलब दूसरी खबर जानिए पटना का सैदपुर हॉस्टल सैदपुर हॉस्टल से अमृतांशु वत्स नाम के एक लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है? और उस पर यह आरोप लगाया है कि वो तीन लड़कों को मारने की प्लानिंग कर रहा था आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पिछली लगातार एक हफ्ते से पटना पुलिस जो है वो पटना विश्वविद्यालय के सारे हॉस्टल्स पर पैनी नजर रखे हुई है क्योंकि वहां पर गलत काम को अंजाम दिया जा रहा है वहां पर अपराधी रह रहे हैं वो लोग जिनके नाम पर रूम अलॉट नहीं हुआ है वो लोग जो पटना विश्वविद्यालय के छात्र नहीं है वो लोग जान पर कर रह रहे हैं और माहौल खराब कर रहे हैं और ग्यारह सौ ग्राम विस्फोटक का मिलना कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि कोई बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही थी

सामान मिले हैं और इसके अलावा और भी कई चीजें मिली हैं है है पर्दा पर उठाएंगे कि आखिर वहां से और क्या क्या मिला है और क्या क्या पुलिस वालों को वहां से जानकारी मिली और क्या सचमुच पटना के पटेल छात्रावास में कोई बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही थी और पुलिस ने उसका पर्दाफाश कर दिया बाकी इस खबर पर कोई अन्य अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे मेरा नाम प्रशांत राय है आप जनता निश्चन देख रहे थे बहुत बहुत धन्यवाद